सुप्रीम कोर्ट ने सबूत सामने आते ही आदित्य ठाकरे की बेल पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी। आदित्य ठाकरे वही है जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, एक्स सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे, बाला साहब ठाकरे के पोते। आदित्य ठाकरे का नाम बहुत सारे केसेस में है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के प्लीज करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आदित्य ठाकरे का नाम सबसे पहले नारायण राणे लेते हैं, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। नीतीश राणे भी आते हैं और कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने रिपब्लिक भारत आज तक जगह बहुत जगह जाके चैनल पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन नाम लिया है मिस्टर आदित्य ठाकरे का। और चैनल्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि चैनल्स अपने सोर्स का नाम कभी भी किसी को नहीं बताती। वो छोटे से छोटा डिजिटल मीडिया का रिपोर्टर हो या बड़े से बड़े चैनल का रिपोर्टर हो या चीफ एडिटर हो, कोई भी हो, कोई रिपोर्टर का ये पहला फर्ज होता है कि अपने सोर्स को कहीं पे भी नहीं बताता है। अब बात करता हूं आदित्य ठाकरे की, बेल हो गई रिजेक्ट कोर्ट से, अब रहना होगा जेल। यस, आदित्य ठाकरे का नाम जिनका सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान दोनों केस में आया था, नीतीश राणे ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि ये एसआईटी जांच के टीम के जो लोग हैं, जो देवेंद्र फडणवीस ने रखे हैं, वो कुछ उसमें से करप्ट है, इसलिए आदित्य ठाकरे के ऊपर एफआईआर नहीं हो पा रही। लेकिन नीलेश ओझा जी ने जो बोला था कि राशिद पठान खान साहब ने पीआईएल दर्ज की है, उस पीआईएल के हिसाब से आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, दुन्नू मौर्या, इन तीनों का नाम इसमें आ रहा है। उनकी लोकेशंस, फोन लोकेशंस सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में नजदीक आ रही है। ये केस आदित्य ठाकरे का चल ही रहा था कि आदित्य ठाकरे ने बेल अप्लाई कर दी। आदित्य ठाकरे ने अपनी तरफ से कोर्ट को यह दिया था कि मैं भी इसमें बेल चाहूंगा अगर इनका केस कुछ आगे बढ़ा तो। अगर बहुत सारे लोग, आदित्य ठाकरे के भी सपोर्टर ने यह कहा कि अगर तुम्हारा नाम ही नहीं है तो तुमने क्यों काम ये क्यों किया। पहली बात, ये बेल जो है आदित्य ठाकरे की, कोर्ट ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन 8.66 करोड़ रुपए बीएमसी ने अपने अपने अलग अलग काम के लिए ट्रांसफर किए गए थे अलग अलग नेताओं को। तो एक खिचड़ी स्कैम था, मतलब कोरोना में खिचड़ी के लिए प्रोवाइड करना था लोगों को खाना, जिसमें चव्हाण, आदित्य ठाकरे, ये दोनों थे। चव्हाण जो है आदित्य ठाकरे का करीबी है, उनको पैसे दिए गए थे 8.64 करोड़, जिसके बारे में बीजेपी ने कोर्ट फाइल किया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ। वो बेल हो गए रिजेक्ट आदित्य ठाकरे की। अब हो सकता है बेल रिजेक्ट हो गई मतलब अंदर जाना पड़ेगा, या तो उसके आगे के कोर्ट में, आदित्य के पास पैसे तो है जो आगे के कोर्ट में अप्लाई करेगा। क्या होगा इस मामले में मैं आगे जरूर बताऊंगा। आपको जो लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।